नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, दूसरी अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 इंटरव्यू को लेकर के। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर पीजीटी 2016 में संस्कृत विषय का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक आप लोगों के इंटरव्यू होंगे, ठीक है। मैं इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है और पीजीटी में संस्कृत विषय की जो इंटरव्यू होने हैं इनका शेड्यूल आ चुका है। 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का शेड्यूल आ चुका है। टीजीटी का ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, तो इसके जो इंटरव्यू हैं वो आप लोग लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरी नोटिस है। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का नाम वगैरह लिखा है, रोल नंबर लिखा है और पूरा शेड्यूल लिखा है किस दिन किस बैच में आपका इंटरव्यू है, ठीक है। जो भी पीजीटी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं वो अपना इंटरव्यू डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobcenter.com पर विजिट करें, गूगल पर डाल दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। एडमिट कार्ड के सेक्शन में सबसे ऊपर ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो म्यूजिक एक विषय था 2011 भर्ती का, ठीक है, टीजीटी म्यूजिक, तो उसका भी आज यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एक हाई कोर्ट में याचिका चल रही थी, उस याचिका के अधीन रेणु बाला के नाम से याचिका थी, तो जो भी हाई कोर्ट के आदेशानुसार है उसके अनुसार यहाँ पर कई लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यानी कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी हैं 2011 के वो अपना जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग एलटी ग्रेड के बारे में। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के 13 विषयों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अब इस समय कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपडेट दोस्तों ये आई है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप लोगों के आवेदन फॉर्म भराए जाएंगे, कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो इसकी नोटिस है वो कल 25 सितंबर को जारी होने वाली है। 25 सितंबर को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और जो आपके आवेदन फॉर्म है यानी कॉलेज चॉइस है वो आपका 28 सितंबर से शुरू होगा और 8 अक्टूबर तक चलेगा आपका कॉलेज चॉइस का आवेदन। पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, ठीक है। ये अभी सूत्रों के द्वारा पता चला, इसकी नोटिस आपको कल मिलेगी, ठीक है। जो सूचनाएं मिल रही हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 8 अक्टूबर तक आप लोगों को कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं, कौन से जिले में कौन से स्कूल में कौन सा पद खाली है उसकी सारी जानकारी आपको कल मिल जाएगी नोटिस के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का जो कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब एक तरीके से कहें जो आपका नियुक्ति पत्र निर्गत होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, वो 16 अक्टूबर 2020 को कर दिया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अब जो इंतजार था आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल नोटिस है जो ऑनलाइन आपको स्कूल की वरीयता देनी है, उसके लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com विजिट करिएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही नोटिस आती है आपको सबसे पहले आपको वहाँ प्रोवाइड कर सकें, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हमें विश्वास है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।